यासीन बड़ो बी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो कनूर के बारे में लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि ब्लू कनूर का मैंने बॉक्स क्यों हटाया। आज मैंने हटा दिया फाइनली, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप देख सकते हो कि यह मेरी ब्लू की पेयर है, जो ब्लू कनूर आते हैं ब्लू सीरीज में कनूर, उसकी पेयर है। इसको मैंने टॉय भी दिया हुआ है, फीड भी दी हुई है और पानी भी दिया हुआ है, और केज का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा हुआ, बड़ा केज दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो बॉक्स का मुंह मेरी तरफ है। आप सोच रहे हो ये ऐसा क्यों। पहले मैंने बॉक्स दिया था ब्लू कनूर को, मैं लाया जब बाहर से परचेस कर, लेकिन इसका कोई मूवमेंट ही नहीं था, सिर्फ बॉक्स में ही बैठे रहते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि सब लोग बोलते हैं कि ब्लू कनूर पहले से ही ब्रीड स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अभी एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ कि ये पेयर, अब मैं 1 मंथ के बाद इसको बॉक्स दूंगा, जिससे मेरे को मालूम हो कि ये ब्रीड करेंगी या नहीं करेंगी। अभी इसका कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो मैं ये बॉक्स क्यों लगा कर रखूँ ऐसे ही, सिर्फ इसमें बैठे ही रहते हैं, बाहर भी नहीं निकलते हैं, कुछ भी दाना सीड करके सिर्फ अंदर ही चले जाते हैं। तो ये मेरे को नहीं चाहिए, इसका कोई मूवमेंट होना चाहिए। बॉक्स देने के बाद जो मूवमेंट देखने का है, वो मूवमेंट मैंने इस पैर में नहीं देखा, लेकिन इस पैर में मैंने देखा। ये पैर तो आपको दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि ये बॉक्स में ही है, और इसका रिजल्ट भी आ गया है, वो मैं आगे के वीडियो में शेयर करूँगा। ये देख सकते हो मैंने इसीलिए बॉक्स हटाया, क्योंकि इसका मूवमेंट ही नहीं है। कोई बर्ड का कोई मूवमेंट होगा तो ही मैं बॉक्स इसको लगाऊंगा। बाद में मैं अफ्रीकन ग्रे के भी पैर होगी ना, तो भी मैं निकाल दूंगा, ऐसा मेरे मानना है। क्योंकि बर्ड आपके यहाँ पर लगने के बाद तुरंत ही बॉक्स ना दे, कोई भी बर्ड हो, सेमी एडल्ट हो उसको एज पूरी होने दे, जो एडल्ट पैर हो, ये 3 साल की पैर है। लेकिन मैंने अभी भी इसका बॉक्स नहीं दिया है। इसका कारण यही है कि ये पैर को मेरे घर पर लाए 1 मंथ हुआ है और ये अभी तक सेट नहीं हुए, इसका कारण ये बॉक्स मैंने पहले दिया था। ये गलती आप ना करो, इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की है, और मेरी चैनल इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनी हुई है, और कनूर की वीडियो आगे भी आएंगी। हमारे सेटअप का काम भी अभी स्टार्ट हो जाएगा, जो मेरे ये छत पर नया सेटअप या रूम बनाने जा रहा हूँ, उसका आपकी दुआ से हो जाए ऐसा मेरा मानना है, हो जाएगा इंशाल्लाह। देख सकते हो ये ब्लू सिनेमन की पेयर है, जो फर्स्ट है वो फीमेल है और लास्ट में बैठा वो मेल है, देख सकते हो। आज का वीडियो यहीं तक मैं ख़त्म करता हूँ, आगे मेरे वीडियो नए नए टॉपिक पर आते रहेंगे, तो सभी चैनल में जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।